हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी लर्न अबाउट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को हिंदी में कहते हैं संबंध सूचक अव्यय। वह शब्द या शब्दों का समूह है जो आमतौर पर किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले स्थित किया जाता है, और वह प्रीपोजिशन उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी दूसरे शब्द से प्रदर्शित करता है। ये प्रीपोजिशन ए वर्ड आर ए फ्रेज दैट इज यूज बिफोर ए नाउन आर प्रोनाउन टू शो प्लेस थिंग डायरेक्शन एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, अंडर, अंडर मीन्स नीचे। जैसे कोई टेबल हो और उसके नीचे एक बॉल रखी हो। नियर, नियर मीन्स पास। जैसे मान लीजिए एक एप्पल है और उसके बगल में एक एप्पल और है। बिलो, बिलो मीन्स नीचे। एक टेबल है और टेबल के नीचे एक सेब रखा हुआ है। ऑन, ऑन मीन्स पर। मान लीजिए एक टेबल है और उसके ऊपर बॉल रखी हुई है, तो वहां पर ऑन का यूज करेंगे। इनसाइड, इन आर इनसाइड, मतलब जैसे एक बाल्टी है और मान लीजिए उस बाल्टी के बीच में एक बॉल पड़ी हुई है। इन अराउंड, अराउंड मीन्स होता है चारों ओर। एक बॉल बीच में रख दीजिए बड़ी सी और उसके चारों तरफ बहुत ढेर सारे बॉल रख दीजिए। थ्रो, थ्रो मीन्स के माध्यम से। मान लीजिए एक पाइप है और उसके बीच से एक बॉल डालिए और जो दूसरी साइड निकल जाए। एमंग, एमंग माने के बीच में, चारों तरफ से बाल हो और उसमें एक बीच में बॉल रखी हो। बिटवीन, दो वस्तुओं के, मान लीजिए दो सेब है और उसके बीच में एक सेब रख दिया, तो वहां बिटवीन का यूज होता है। बिहाइंड, बिहाइंड मीन्स होता है पीछे। कोई आदमी खड़ा है, उसके पीछे एक आदमी खड़ा हो गया। उसी तरह इन फ्रंट ऑफ मीन्स होता है सामने। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।